चढ़दी कला टाइम टीवी। नीले घोड़े ते बैठे संत सपाईया, लखां ते करोड़ां वार तेनू प्रणाम। तू सिखां दा ही गुरु नहीं, सतगुरु तू हिंद दा उच्ची सुची मालका, थोड़े खालसे दी शान। मैं ता गरीब थोड़े दासां दा भी दास हां, भुल चुक माफ करियो साहे मेहरबान, साहे मेहरबान। बाजां वाले ताजां वाले तख्तां वाले नीले दे शाह असवार, उन्हां दी सिफत बयान यह बच्ची कविता दे राही कर रही है जी। पिता दशमेश वर्गा, पिता दशमेश वर्गा, कोई होर तपता दादा ने चार पुत वारे हस के, ओ चार पुत वारे हस के रखी को लख दते अनशन ने। पिता दशमेश वर्गा विच चमकर जंग दे, जीत सिंह तेज चार दुलारे, कंडी उत लागे थपड़े हथे मोत ते चढ़ाए का, विच चमकर जंग दे, जीत सिंह तेज चार दुलारे, कंडी उत लागे थपड़े हथे मोत ते चढ़ाए खाए। कफन बगैर ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਲਈ, ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਰੱਖੀ, ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਰ ਕੇ ਵੀ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇ ਸਬਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਆਓ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਬੱਚੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ तेरे स्कूल अंदर, कलगी वालिया तेरे स्कूल अंदर, मैं ता सुनिया सी लगदी फीस कोई ना, मैं ता सुनिया सी लगदी फीस कोई ना, सोबा सुन के दाखल आन होया, सोबा सुन के दाखल आन होया,
ਫਤਿਹ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹਨ ਸ਼ਹਿਨ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਦੇਹ ਉਬਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ਬਦ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਵਾਹੀ ਭਰਨਾ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਗਵਾਹੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਦੇਹ ਉਬਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਸੀਸ ਕਟਾ ਕੇ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਤੱਕ ਮੌਤ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਦਿਲ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਕਿਹੜੇ ਭਾਅ ਮਿਲਦੀ ਜਰਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਕਿਹੜੇ ਭਾਅ ਮਿਲਦੀ ਜਰਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਿਤਾਣੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੂਹ ਫੂਕੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚਿੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਬਾਜਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਜਾ ਵੜੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸੁਣਾ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ
ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਓ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹਾਲ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ ਏ ਦਾਦੀ ਤੋਂ ਜੁਦਾਈ ਦਾ। कचहरी चो सिपाही दा समय आ गया है दादी तो जुदाई दा। ओ सदा आ गया कचहरी चो सिपाही दा समय आ गया है दादी तो जुदाई दा। रोन लगा गुरु जी दे दास दा। चन पा गई शहीदी विच निया दे नदरा घबराए दादीए। दोवें पोते दिंदे दादी नू दलेरी तू चित ना डलाई दादीए। सानू अंबरा दे तारिया चो तकी जे मुड़ के ना आए दादीए। हो वेला आखरी है होनिया शहादता ठंडा खून कदे करे ना बगावता। तेरी दित्ती कुर्बानी जिंदा रहूगी जोंदे रहे जदों गुंजे ते इमारतां। फेल होण दी इच्छा ना कदे रख दे जो सिखी दे सखाए दादीए। दोवें पोते दिंदे दादी नू दलेरी तू चित ना डलाई दादीए। सानू अंबरां दे तारिया च तक्की जे मुड़ के ना आए दादीए। दोवें पोते दिंदे दादी नू दलेरी तू चित ना डलाई दादीए। सानू अंबरां दे तारिया च तक्की जे मुड़ के ना आए दादीए। 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 वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मेरी समूह साध संगत नूं बेनती है जी कि जदों भी जयकारा लगता है तो उस वेले दे विच अपने हत्थां नूं खड़े करके जयकारे का जवाब देना है। नाल नाल दोवें हत्थ भी खड़े कर सकते हो, एक हत्थ भी खड़ा करके जयकारे का जवाब देना है। असीं उन्हां शहीदां की याद नूं श्रद्धांजलि दे रहे हैं तो उन्हां दी याद नूं ताज़ा करदे, इसलिए जयकारे का जवाब हत्थ खड़ा करके देना कि पता लगे भी तुसीं बैठे हो तो उन्हां याद नूं श्रद्धांजलि असीं अर्पित कर रहे हैं। चमकौर की गली का जो बाबा जुझार सिंह जी शहीद हो गए तो उस तो बाद कहते भी बदलों में बिजली सी लिशका पई मार दी होई रुशनाई जद सुनहरी जही तार दी। दया सिंह वल जद निगाह गई सी दतार दी ते गोदी विच लाश लैके बैठा सी जुझार दी। मौत दे नशे विच उत्थे जिंदगी सी झूम दी बोले दया सिंह लाश तक के मासूम दी। ए सिखी दे आ दातिया सुनहरी बाजा वालिया किन्ने ही प्यार नाल तू इन्हां पुत्तां नूं सी पालिया। हुण वेख के तू जुझार नूं पिछे पैर क्यों खसका लिया। लगा होया पातशाह तू पिछे केड़ी गल दे पुत्तरां दी पीड़ तां पखेरू भी नहीं चल दे। दुनिया ते भावें गरीब किन्ने मापे पए ने पर कफनों बगैर दस किहदे पुत गए ने। सीस वाली पग दे मैं दो टोटके बना दिया
ਤੇ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਟੋਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿਆਂ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਬਾ ਕਮਾਲ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਕੇ, ਉਹ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ, ਦੇਖ ਜਰਾ ਨਿਗਾਹ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਥੋਂ ਗਏ ਜਾਨਾ ਵਾਰ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੁੱਕਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੁੱਕਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੁੱਕਦਾ। ਇਹ ਬਾ ਕਮਾਲ ਜਵਾਬ ਸੀ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਕਫਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਹਰਚਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਲੱਗੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਵੈਰੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਰ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੀ, ਬੋਲੇ ਸੋਹਣੇ ਹਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ ਜਾਣਗੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਲਾਲ ਸੂਬਿਆ ਸਮਝੀ ਨਾ ਡਰ ਜਾਣਗੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਲਾਲ ਸੂਬਿਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਲਾਲ ਸੂਬਿਆ। ਅੱਗੇ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਇਆ, ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਤਰਾਏ ਗਿੱਦੜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਇਆ, ਪੁੱਤੇ ਉਸੇ ਪਿਓ ਦੇ ਸੋਚਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪੱਬ ਧਰ ਜਾਣਗੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਲਾਲ ਸੂਬਿਆ ਸਮਝੀ ਨਾ ਡਰ ਜਾਣਗੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਲਾਲ ਸੂਬਿਆ। ਤਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਪੋਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਨੇ ਹੱਥੀ ਤੋਰੇ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਰਨ ਸਲਾਮਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮੂਰੇ, ਜੱਗੀ ਨਾ ਮਾਤਾ ਦੀਦਾ ਰੋਸ਼ਨ ਜੱਗ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਲਾਲ ਸੂਬਿਆ ਸਮਝੀ ਨਾ ਡਰ ਜਾਣਗੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਲਾਲ ਸੂਬਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਲਾਲ ਸੂਬਿਆ ਸੋਚੀ ਨਾ ਡਰ ਜਾਣਗੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਲਾਲ ਸੂਬਿਆ ਸੋਚੀ ਨਾ ਡਰ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਲੇਰੀ ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਲਚ ਤੇ ਡਰਾਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਆਓ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਬੱਚੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸ਼ੇਰ ਬਹਾਦਰ ਦੁੱਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਘਬਰਾਇਓ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਸ਼ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਏ ਦਾਦਾ ਦੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੀ ਸੀਸ ਵਾਰਿਆ ਬਣ ਕੇ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ, ਇਸੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਧਾਇਓ, ਇਸੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਧਾਇਓ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਓ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਓ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਸਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਨਾ ਉਡੀਕੀ ਦਾਦੀਏ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਵੀ ਹੁਣ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਡ ਲਡੋਨਾ, ਚੱਲ ਮੌਤ ਵਿਓਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾ ਦੇ, ਲਾ ਦੇ ਵੈਰੀ ਨੇ
ਅਸੀਂ ਕਲਗੀ ਧਰ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਜਿੱਤੋ ਦੇ ਲਾਲ ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗੇ ਹੌਸਲੇ ਤੇ ਹਾਥੀਆਂ ਵਰਗੀ ਚਾਲ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਸੂਬਿਆ ਉਹ ਕਰ ਲੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲੋਂ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲੋਂ ਖਿਆਲ ਆਓ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਵਿਤਾ सूरा सो पहचानी है जो लरे दीन के हेत पुरजा पुरजा कटमर है कबू ना छाडे खेत सरहंद दिया दीवारां दे विच चिणे गए वह छोटे साहबजादे उही सूरमे सी जिन्हां ने ईन नहीं मनी पर अपना सिक्खी सिदक कायम रखिया तां उसी सूरमिया की गल जी उन्हां नन्ने बाबिया की गल उन्हां शहीदां की गल जिन्हां की बा मिसाल और ला लासानी शहादत है जिहदा कोई बदल दुनिया दे विच नहीं है ते वह कविता नूं सरवण करदे जी इन्हां बच्चों के राही जो तो प्रेम खेलन का चाओ सिर तर तली गोली मरी आओ इत मार्ग पैर तरी जय सिर दी जय कान ना की जय वड़े वीर चमकौर च शहीद हो गए साथ छड़ के छोटे वीरियां दा छोटे बच्चे दीवारां दे विच बीड़ दिते पर कोई पीर नहीं सी इन्हां बेपीरियां दा होनी डैन ने इट ते इट रख के वचन कीता दशमेश दे हीरियां दा जिक्र करके फरिश्ते भी अंबरां ते इस सरहंद दी कूनी दीवारियां दा
इस खून जी सरहद की दीवार का, उस सरहद की दीवार की गल कर रहे हैं जी, तो ये बच्चे गल करते हैं उस कंधे सरहद की। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह, कंधे सरहद दिए मुखो कुछ बोलनी, बैठी क्यों लगो के जिंदा दो अनमोलनी, गुजर कौर जी जिन्हां ने पहला अपना पति वारिया, फिर पोते वारे ते फिर पुत वार के भी भाणा मनन दी सानू जात सिखाई। संगते नी मेरा ना गुजरी, मैं गोबिंद सिंह दी मां गुजरी, मैं गुजर गुजर के गुजरी हां, संगते नी मेरा ना गुजरी। आओ हुण बच्चियां वालों कविता सरवण करदे हां जी, संगते नी मेरा ना गुजरी। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह, संगते नी मेरा ना गुजरी, मैं गोबिंद सिंह दी मां गुजरी, मैं गुजर गुजर के गुजरी हां, संगते नी मेरा ना गुजरी, मेरा नौ साल दा मेरा।
जाने बचा चले, सिखी की नींव हम है सरों पर उठा चले, गुरुआई का किस्सा जहां में बना चले, सिंहों की सल्तनत का पौधा लगा चले, गद्दी से ताजो तख्त अब बस कौम पाएगी, दुनिया से जालिमों के निशा तक मिटाएगी, दुनिया से जालिमों के निशा तक मिटाएगी। आओ उन बच्चों वालों प्यार भरी कविता सरवण कर दे। हाँ जी, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। सिकलगी वाले
जवाब दिया करो। इस जगह पर पता तो लगे भी सिखी नूं कितना प्यार करने वाले हैं। आओ फिर गजब फतेह बुलाइए। बोले बहुत अच्छे जी, थोड़ा सारा का बहुत बहुत धन्यवाद है। इसलिए कहते कंडिया विच पैदा सदा गुलाब होंगे ने, कंडिया विच पैदा सदा गुलाब होंगे ने, जिथे शहीदों का रत खून डुल जाए उथे ही पैदा इनकलाब होंगे ने। उस इनकलाब की गल है जी, जिहड़ा जित का संदेश सच्चे पातशाह ने औरंगजेब को भेजा सी बच्चों की शहीदी तो बाद, उस औरंगजेब को भेजा खत औरंगजेब के लिए मौत का कारण बन गया। वो जित का संदेश जिन्हों असी जफरनामे के नाम याद करते हैं, वह जफरनामा लैके बच्चा तुहाडे सामने रूबरू है। गुरु खालसा जी, विद्या एक एहो जिहा धन है जिथे कोई भी ताकत काम नहीं करती, उथे विद्या काम करती है। औरंगजेब 14 जंगा हार के भी अपनी हार नहीं सी मन्या, डटिया खड़ा सी, आखदा मैं गुरु गोबिंद सिंह दा रहन कोई नहीं दिता। हारिया कदों? जदों महाराज ने जफरनामा भेजिया। एओ चिट्ठी सी, ओ शब्द सी जेड़े के भाई दया सिंह ते भाई धर्म सिंह लैके आए सी। जदों औरंगजेब ने ओ जफरनामा पढ़िया फिर मंजे तो उठ नहीं सकिया। जफरनामा ते पढ़ लिया, उस चिट्ठी थले लिखिया सी बोल वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। औरंगजेब ओ नहीं सी कहंदा, कोई सियाणा मौलवी काजी जिहड़ा गुरु घर दी अजमत नूं जानदा सी, उसने औरंगजेब नूं आखिया, औरंगजेब कह दे वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह, तेरी जान सौखी निकल जाऊगी। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह औरंगजेब नूं कह रहे हन, औरंगजेब तू मेरे चारे पुत्र शहीद करके आना में खत्म कर देता, मेरा अजय कुंडलिया पंथ खालसा जिउंद है जिड़ा तेरे पैरां थले अग विछा के रख देगा। आओ गुरु कलगीधर पातशाह ने औरंगजेब नूं जिहड़े जफरनामे विच शब्द आखे उह सरवण करदे हां। ऐ निपुंसक सल्तनत दे बादशाह औरंगजेब, तू पलंदा झूठ दा ते तू है बंदा पुरफरे, ओ रब जाने तेरियां कसमां दी किन्नी किस्म है, झूठ दी है रूह तेरी ते झूठ दा ही जिस्म है। मैं शुरू कर दा हां चिट्ठी अपनी दा सिलसिला, देख मेरे दिल दी अंगत दा नजारा बुझ दिला, वाहिगुरु दे नाम दा लिखदा हां पहला हरफ मैं, तीर वांगू मारदा हां हरफ तेरी तरफ मैं, ना तेरे दा अर्थ है सुंदर सजावट तख्त दी, पर तेरी सूरत है लगदी सितमगढ़ को भक्त दी, तेरी तस्वीर देने मन के कैद खाने मौत दे, डंडिया दे नाल कड़े अर्थ तू डंडौत दे, ए तेरी कड़वी कमीनी बदलिया दी पावना, हुण हो चोंदे जोर गुरु गोबिंद दा अजमावना, जिसने तेरी सल्तनत ते बादशाही बलनी, की होया जे शेर दे बच्चे तुम्हारे गिंदड़ा, की होया जे लिद तो फिरदा फुंडाई लिदड़ा, जो खुदा दे नाम ते चुकिया तू कसमा मर गया, तेरिया पंजे नमाजा नू कलंकत कर गया, आ सुनावा किस तरह कर देने यो दे गुफ्तगू, आ विखावा किस तरह लड़ देने जंगा जंग जू, जंग दे मैदान विच फौजा सजाइया जांदिया, हो के आमो सामने ते गाँव उठाइया जांदिया, जिना फौजा नू लड़ाना चाण यो दे शकरे, दोहा तीरा दे सूर में जरनैल कर दे टकरे, तू ही है
सच दा झंडा मैं तेरे तख्तां उत्ते गड के राह उलीकांगा नवा इक तीर अपना छड के इक तीर अपना छड के। धन धन दसम पिता जिन्हां दा कोई सानी ना होया ना होएगा, आओ उन्हां दी सिफत विच एक कविता सरवण करदे हां जी। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, आओ गज वज के फतेह दी सांझ पाइए। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। महान शायर अल्लाह यार खां योगी ने फरमाया है कि करतार की सौगन है, नानक की कसम है, जितनी भी करो गुरु गोबिंद की तारीफ वो कम है। गुरु साहब दी इसी अदूती ते लासानी शख्सियत दा बयान कर दे, आज मैं आप सब नाल एक कविता सांझी करना चाहांगी। सुन लो अहम गाथा इतिहास दी जुबानी, दशमेश गुरु जी दा होया ना कोई सानी, दशमेश गुरु जी दा होया ना कोई सानी। गुजरी दा चानन सी ओ मूर्ति इलाही, ओ पातशाह सी दसवा दरवेश ते सिपाही। ओ सिदक दासी पुतला ते सच दा उराही, दर्दी मनुखता दा ते जुल्म ले तबाही। उस जिम्मेवारी तुरदी पूरी तरह निभाई, उस जिम्मेवारी तुरदी पूरी तरह निभाई। उस नू चुका ना सकी मुगला दी शहनशाही, उस नू चुका ना सकी मुगला दी शहनशाही। दिल्ली नू तोड़ दिता जिस पिता सी नूरानी, रखी ना कोल जिसने अपने लिए कोई निशानी। ऐसे गुरु दा जगते होया ना कोई सानी, ऐसे गुरु दा जगते होया ना कोई सानी। चले सचखंड सतगुर सरबंस दानी, चले सचखंड सतगुर सरबंस दानी। धन गुरु गोबिंद सिंह सूरा तेरा कोई ना सानी, धन गुरु गोबिंद सिंह सूरा तेरा कोई ना सानी। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। साडे बहुत ही सत्कारयोग श्री गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन दे चेयरमैन, पद्म श्री अवार्ड नाल सम्मानित सरदार जगजीत सिंह जी दर्दी साहब, और डायरैक्टर मैम मैनेजिंग डायरैक्टर सरदारनी जसविंदर कौर जी दर्दी साहब, टाइम टीवी चैनल दे डायरैक्टर सरदार हरप्रीत सिंह जी दर्दी, और डायरैक्टर प्रिंसीपल डॉक्टर कमलजीत कौर जी, इसलिए सारे प्रशंसा के पात्र ने जिन्होंने इन्ना वड्डा जिहड़ा प्रोग्राम है वह समागम है कीर्तन समागम उलीकिया उन्होंने नन्हे बाबियां दी याद दे विच। ते हुण मैं बहुत ही सत्कारयोग डॉक्टर कमलजीत कौर जी को बेनती करांगा जी, उस स्टेज के उत्ते आउण ते बच्चों अपनी सांझ पाउण।
वालिए कुल आलम शब्द गुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी विच बड़ी ही श्रद्धा ते प्यार नाल जुड़ बैठी संगत आज धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी साहब जी दे साहबजादियां दी शहादत नूं नमन करन लई अपनी श्रद्धा दे फुल पेंट करन दे लई जुड़ बैठी है। आओ मिलके सब तो पहले गुरु फतेह दी सांझ करिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दशमेश पिता, धन धन दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी साहिब वर्गा वर्गी शख्सियत, अदुती ते लासानी शख्सियत इस संसार दे विच कोई नहीं। ऐसी शख्सियत दे बारे कुछ भी बोलना ते कुछ भी कहना किसे भी लिखारी ते बुलारी दे बस दी गल नहीं। किसे भी बुलारी दी हैसियत सागर दे बुलबुले दी तरह है। एक आंख से बुलबुला क्या गुल बहर को देखे, सागर को, मंझधार को या फिर लहर को देखे। असी गुरु गोबिंद सिंह जी बारे की गल कर सकते हैं? उना दे बच्चों की शहादत, उना दे पिता का बलिदान, उना दे माता का बलिदान, ऐसे गुरु दे अगे असी अपना सीस चुकांदे हैं। अज असी सब इकट्ठे हुए हाँ। श्री दशमेश पिता वर्गी काल कोई काल नहीं सकता। ऐसा बाल जो पिता वार दे, ऐसा पिता जो बाल वार दे। अज असी याद करांगे बिक्रमी संमत छे पोदी और रात जदों गुरु गोबिंद सिंह पिता ने आनंदपुर साहब दे विच ये फैसला लिया कि आनंदपुर साहब का किला छड़ देना। गुरु साहब ने यह फैसला औरंगजेब दे कुराने कौल ते लिया। उसने अपने कुराने को अपनी कुरान ते वादा लिख के भेजा, गुरु साहब तुसी दीना कांगड़ दे इलाके विच चले जाओ, आनंदपुर साहब का किला छड़ दो ते तुहानू सुरक्षित जान दिता जाएगा। पर उन्होंने अपने कुरान दी खादी कसम दी भी लाज ना रखी। सत पो दी रात गुरु गोबिंद सिंह पिता सिरसा नदी दे किनारे ते, अगे ठाठा मार दी सिरसा नदी, पिछे तेगां तीरां ते तलवारां दे नाल लखां दी मुगलां फौज ते विचकार गुरु गोबिंद सिंह साहब पाठ करदे कीर्तन करदे बैठे होए हन। देखो सोचो नजारा, देखो तन तन गुरु पिता जिन्हां ने चारे पासे उमड़ दी मौत ते विच बैठे अडोल कीर्तन कर रहे हन। सत पो दी रात सिरसा नदी दे किनारे विछोड़ा पै गया, परिवार विछड़ गया। गुरु गोबिंद सिंह पिता अपने वड्डे साहिबजादियां दे नाल चमकौर दी गढ़ी वल निकल गए। माता गुजरी अपने छोटे दो साहिबजादियां दे नाल अलग पिंड सहेड़ी वल नूं तुर पए। माता सुंदर कौर जी दिल्ली वल नूं चाले पाले। अठ पो दी रात 23 दिसंबर अज दा दिन वड्डे साहिबजादियां दी शहीदी दा दिन है। उन्हां दी शहीदी चमकौर दी लड़ाई दे विच मुगलां लखां दी तादाद दे मुगल फौजां नाल लड़दे अज दे दिन वड्डे साहिबजादे चमकौर दी गढ़ी दे विच शहीद हो गए। महान शायर अल्लाह यार खां योगी कहिंदा है, बस एक ही जगह है हिंद में तीर्थ के लिए, जहां बाप ने कटवाए बेटे खुदा के लिए। शत शत नमन है उस जगह नूं, ओ महान तीर्थ स्थान है जिथे गुरु गोबिंद सिंह जी दे वड्डे साहिबजादियां ने अज दे दिन शहीदी दित्ती। उधर छोटे दो साहिबजादे पैदल जंगलां तो तुरदे माता गुजरी दे नाल पिंड सहेड़ी वल नूं गंगू रसोईए दे नाल चले गए। रस्ते विच गंगू रसोईए ने माता जी कोल सोने दे मोहरां दी थैली देख ली। उसदा मन ललचा गया कि ए मैं सोने दी मोहरां दी थैली लै लवां। उसने रात नूं जदों माता जी अपने छोटे साहिबजादियां नूं लै के सोचां विच पए लेटे सन, नींद तां अखां विच कोसों दूर सी, गंगू रसोईए ने ओ थैली चुक ली।
सवेरे जब माता जी ने गंगू रसोईये नू पुछया कि बेटा और मेरी सोने दी मोरां दी पोटली तेरे कोल है, चंगा कीता तू सांभ ली। इन्नी गल सुनदिया गंगू रसोईया बहुत गुस्से विच भर गया ते उसने कहा कि मैं ता तुहानू अपने घर रहण नू दिता है ते तुसी मेरे ते ही तोहमत लाई है। बस उस दे मन दा लालच एक ते जालम हाकमा ने मुनादी करा दिती जिहड़ा गुरु घर दे बागियां नू पनाह देवेगा उसनू सजा ते जिहड़ा उन्हां दी इतलाह देवेगा उसनू भारी इनाम दिता जाएगा। गंगू रसोईये ने कहा सोने दी मोहरां तां लै लईआं हुणे इनाम भी लै लईए। ओ जाके उसने मुरंडे दे हाकम जानी खां ते मानी खां कोल शिकायत कीती ते माता जी नूं ते छोटे साहबजादियां नूं गिरफ्तार करवा दिता। उन्हां जानी खां ते मानी खां ने बहुत तसीए तशद्दद दिता कि इन्हां नूं इस्लाम कबूल करवा दईए, पर जद ना सफल होए तां उन्होंने सरहंद दे सूबे वजीर खां ओ कोल जा पेश कीता। सरहंद दे सूबे ने हुक्म दिता कि इन्हां नूं ठंडे बुरज विच कैद कीता जाए। माता दो छोटे साहबजादे बिना कुछ खादे ठंडियां सर्द हवावां ठंडे बुरज विच कैद बैठे हन। लगातार दो तीन दिन उन्हां बच्चियां नूं कचहरी च पेश कीता जांदा, पर तन ओ माता गुजरी ते तन ओ छोटे छोटे लाल जिन्हां ने माता गुजरी दियां सिख्यावां नूं अपने हिरदे च वसाया ओ ना चुके, उन्हां ने इस्लाम ना कबूलिया ते आखिर वजीर खां ने गुस्से च आके उन्हां नूं नीहां विच चिण देण दा फतवा दे दिता। नीहां विच चिणा के जालम ने लाही लोई धरती दा जिगर पाटिया अंबर दी अख रोई हर एक सुनन वाले दी आत्मा रोई। पर तनो गुरु गोबिंद पिता जिन्हां ने दो हाथ जोड़ के परम पिता अगे कीती अरजोई लख शुकर है दाता तेरी अमानत अदा हुई। माछीवाड़े दे जंगलां में जदों गुरु पिता नूं चारों साहबजादियां दी शहादत ते माता गुजरी दे गुजर जान दा पता लगा ओ अडोल रहे। बड़ी अडोलता नाल उन्होंने कहा इन पुत्रन के सीस पे वार दिए सुतचार चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। तन धन गुरु पिता जिन्हां ने कौम दी खातर धर्म दी खातर मजलूमां दी रख्या दी खातर अपने चारों पुत्र वार दिते सरबंस वार दिता हसदे हसदे वार दिता ते अगों ए कहा कि तुसी सारे मेरे पुत्र हो। अज दा इस समागम गुरु पिता दी वो पुकार है कि जीवत कई हजार उन्हां हजारां पुत्रां नूं आवाज है कि तुसी उठो तुसी सिक्खी नूं संभालना है। वो तुहाडे चोलियां दे विच अपने सरबंस नूं दान करके तुहाडियां चोलियां दे विच सिक्खी पा गए सिक्खी दा फुल दे गए। तुसी हुण अज मिल के अज समागम दे विच ए प्रण लैणा है कि असी उस सिक्खी नूं प्रफुल्लत करना है अज पतित हुंदी सिक्खी नूं असी बचाउणा है असी केसां दा कतल नहीं करना असी सिक्खी दा नाम रोशन करना है। तुसी बड़े वड्डे भागां वाले हो कि अज इस समागम दे विच सरदार भुपिंदर सिंह जी उचेचे तौर ते जम्मू तों नाल बीबी नरिंदर कौर जी अपने जत्थे समेत इन्नी सरद रात दे विच लंबा पैड़ा पा के तुहाडे कोल हाजिर होए ने ताकि तुहानू नाम सिमरन दे नाल जोड़ सकीए। नाम सिमरन ऐसी अदूती शक्ति है जो सानू सिक्ख्या दित्ती उहनां दे पूर्णियां ते चलीए ते इस सिक्खी नूं वध तो वध प्रफुल्लत करिए सिक्खी दा माण बणीए। इन्हां शब्दां दे नाल मैं तुहाडे तो इजाजत लैनी हाँ ते नाल ही मैं बेनती करना चाहवांगी स्कूल दे चेयरमैन सरदार जगजीत सिंह जी दर्दी पद्म श्री सरदार जगजीत सिंह जी दर्दी नूं कि तुहाडे सामने आके रू बिरू होन संगतां नूं अपने विचारां नाल अपनी सांझ पाण। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। फतेह दी सांझ करना
एक जयकारा छड़ो बोले सोने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी नूं प्रणाम करो अखां बंद करो ते फतेह बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सारे बच्चे अपनी अखां बंद करन ते तुसी ये यतन करो कि तुहानूं इस तरह दर्शन होण कि चमकौर की गढ़ी उत्ते दसम पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज खड़े हन अते उन्हां दे दो लाल वड्डे साहिबजादे साहिबजादा अजीत सिंह जी साहिबजादा जुझार सिंह जी चमकौर की जंग विच लखां मुगलां दुश्मनां दा मुकाबला सन्मुख होकर जंगे मैदान विच कर रहे हैं। सारे अखां बंद करके यतन करो कि सानू दसम पातशाह दे दर्शन होण अते रण विच जूझदे हुए गुरु गोबिंद सिंह महाराज के दो वड्डे साहिबजादियां के दर्शन होण जिन्होंने सन्मुख होकर जंग दे विच लखां वैरियां नाल जूझते हुए अज के दिन शहादत पाई सी अते संसार के इतिहास विच नवे वर्के लिखे सन कि एक पिता धर्म की राखी लई जुल्म दा नाश करन लई अपनी अखां के सामने अपने दो जवान बच्चों शहीद करवा रहा है अते फिर वाहिगुरु का शुक्र करके जयकारा बुला रहा है बोले सोनिया। श्री गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूलों के अते न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल के सारे बच्चे भागा वाले बच्चे हैं चंगी किस्मत वाले बच्चे हैं अते आदर्शक माता पिता के होनहार बच्चे हैं जिन्हां दे माता पिता ने इन स्कूलों में उन्होंने विद्या दवा के गुरबाणी नाल जोड़ के गुरु नाल जोड़ के अपना भी जन्म सफल किया है अते इना बच्चों भी जीवन सफल करन दी राह उत्ते पाया है। प्यारे बच्चों तुहाडे हरमन प्यारे स्कूलों के प्रबंधक सरदारनी जसविंदर कौर जी अते डॉक्टर कवलजीत कौर जी प्रिंसीपल हरसिमरन कौर जी इन्हां सारिआं ने साहिबजादियां दी याद विच जो तुहानूं सबक सिखाया है वो सारा संसार अज अपनियां अखां नाल चढ़दी कला टाइम टीवी उत्ते सीधा प्रसारण जो हो रहा है उस राही देख रहा है। तुसीं ये अंदाजा लगाओ कि करोड़ां लोग अज सारे संसार विच तुहानूं देख के तुहानूं ब्लैस कर रहे हैं तुहानूं असीस दे रहे हैं कि ये गुरु गोबिंद सिंह महाराज के लाडले पुत लाडले सपूत साहिबजादियां दी याद विच किस श्रद्धा ते प्यार नाल इत्थे कवितावां पढ़ रहे हन गुरबाणी पढ़ रहे हन शब्द कीर्तन कर रहे हन वाहिगुरु दे नाम दा सिमरन कर रहे हन। तो अज दा दिन अज संसार दे इतिहास विच एक अजिहा अनवेकली किस्म दा दिन है जिस दा कोई सानी नहीं जिस दी कोई मिसाल नहीं मिलदी अते तीन दिन बाद 26 दिसंबर नूं छोटे साहिबजादे साहिबजादा जोरावर सिंह जी 9 साल ते साहिबजादा फतेह सिंह जी 7 साल की उम्र दे ए होनहार बच्चे सरहंद दियां नीहां विच चिण के अपने धर्म की राखी लई और जुल्म के खिलाफ शहादत दे रहे हैं। तुसी साहिबजादियां दी चार साहिबजादे फिल्म भी असी हर साल दिखाते सी टीवी दे उत्ते तुसी देखी होएगी कि छोटे साहिबजादियां ने कितनी बहादुरी दे नाल शहादत नूं कबूलिया अते सिखी नूं संभाल के रखिया मुसलमान बनन तों इनकार कीता। तो प्यारे बच्चेओ इस सुंदर हाल विच जिथे तुसी अज संगत रूप विच सारे बैठ के ये साहिबजादियां नूं याद करके उन्हां दी महान शहादत नूं प्रणाम कर रहे हो तां तुहानूं अज भाई साहब भाई भुपिंदर सिंह जी खन्ने वाले जो जम्मू कश्मीर दे विच गुरशब्द प्रचार सभा अते सरदारनी नरेंद्र कौर जी इस्त्री गुरसिख इस्त्री सत्संग सभा वो उचेचे चल के आए हैं। अज आप सारे साहबजादियां दी याद विच एक अणडिठी दुनिया विच जावांगे अते उस दुनिया विच जावांगे
जिसका नाम सचखंड है, जिथे वाहिगुरु का निवास है। भाई साहब भाई भुपिंदर सिंह जी और उन्होंने साथी बीबियां तुहानू इस अदुत्ती नाम सिमरन कीर्तन समागम के तुहानू आनंद माणन का सुभाग बख्श रहे हैं। असी सारे प्यारे बच्चियो, ये जो थोड़ा जा समा बाकी है, असी सारे रल के जिस तरह भाई साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज के गुणों का गायन करेंगे, वाहिगुरु के नाम का सिमरन करेंगे, सारे बच्चे उच्ची आवाज के विच उन्हां दे नाल असी सारे बोलांगे। मैं उन्हां नूं बेनती करांगा कि वह सारे स्टेज के उत्ते आ जाण। इस प्रोग्राम तो बाद सारे इत्थे ही पंगतां लगा लैणगे और गुरु का लंगर छकणगे। अज शाम नूं वी गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल SST नगर विखे अते कल सवेरे ये अदुत्ती जो नाम सिमरन अते कीर्तन समागम है वह श्री गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल SST नगर विखे होवेगा। तुसी सारे बच्चों ने अपने माता पिता नूं जिथे असी साहबजादियां नूं याद करांगे, उन्हां दी महान शहादत की गाथा सुणांगे अते उत्थे नाल ही असी अपना आने वाला जो जीवन है इस समागम तो प्रेरणा लैके असे चंगे माता पिता के सपुत्र अते चंगे गुरु के सिख बनन लई प्रेरणा लैके जावांगे। तो प्यारे बच्चियो, आज दा दिन साडे सारयां लई एक ऐसा कमल दा दिन है जिस विच असी साहबजादियां नूं याद करके साहबजादियां दी असीस मंगांगे, गुरु गोबिंद सिंह महाराज का प्यार मंगांगे अते उस कलगीधर पातशाह ने जिन्हां ने खालसा पंथ की सिरजना करके अपने बच्चों की अपने पिता की अपनी माता की शहादत दिती अते खालसा पंथ की इस शहादत की परंपरा नूं अपने परिवार के खून नाल रंगिया। इसलिए प्यारे बच्चियो, अज कोई छोटा मोटा साडा समागम नहीं, ये समागम साहबजादियां की याद जिस नूं भारत के प्रधानमंत्री ने 26 दिसंबर नूं गुरु गोबिंद सिंह महाराज के साहबजादियां की याद विच मनाउण दा ऐलान किया है अते 26 दिसंबर नूं 50 लख दे करीब स्कूलों विच करोड़ों बच्चे गुरु गोबिंद सिंह महाराज के साहबजादियां की शहादत की दास्तान नूं सुणनगे। अते मैं माण महसूस करता हाँ कि भारत के राष्ट्रपति अते भारत के प्रधानमंत्री ने इस 26 जनवरी वाले दिन ये जो तुसी प्यारे बच्चे हो स्कूलों के सवेरे आके सिमरन अते कीर्तन पाठ करते हो उस सदका मैनू राष्ट्रपति जी ने पद्म श्री का सन्मान दिता। मैं समझदा हाँ कि यह सन्मान श्री गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल के बच्चों का सन्मान है। साढ़े इस बच्चे वड्डे हो के पद्म श्री तो भी वड्डे वड्डे सन्मान प्राप्त करनगे अते दुनिया के जिस भी कोने च जाके अपना जीवन बतीत करनगे, फतेह उन्हां दे पैर चुम्मेगी। साडे स्कूलों के स्टाफ ने जो सेवा की है पिछले दिनों के विच, जो मेहनत की है, मैं उन्हां नूं भी शाबाश दिंदा हाँ कि उन्होंने भी जिस श्रद्धा अते अकीदत दे नाल अपने इस स्कूलों के बच्चों नूं तैयार किया है अते सतगुरु जी के प्यार विच भिज के बच्चों के प्यार विच भिज के तुहानूं इह शहादत की दास्तान सुनाई है अते तुहानूं इह सारियां कवितावां लेख अते गुरबाणी के शब्द पढ़न की ट्रेनिंग दिती है। तो इन्हां शब्दां नाल मैं तुहाडे सारे बच्चों के खुशहाल जीवन लई अरदास करदा होया साडे स्टेज के उत्ते पंथ के प्रसिद्ध रागी भाई साहब भाई जगमोहन सिंह जी जो इंटरनेशनल सिख फोरम के प्रधान भी हैं वह भी आए हैं, भाई साहब भाई जोगिंदर सिंह जी, भाई रविंदर सिंह जी सलूजा अते होर भी भाई साहब भाई सुखदेव सिंह जी साबका हैड ग्रंथी ते भाई साहब भाई भुपिंदर सिंह जी के नाल आए हुए सारे सिंह गुरु गोबिंद सिंह परिवार के मुख सेवादार भाई साहब भाई जोगिंदर सिंह जी कल अपने सैकड़े बच्चों लै के कल वाले समागम शामिल होए हैं शामिल होंगे वह भी आए हैं, मैं उन्हों का भी धन्यवाद करता हाँ अते भाई साहब भाई भुपिंदर सिंह जी ते उन्हां दे जथियां नूं बेनती करदा हाँ कि साडे बच्चियां नूं इह अदुत्ती नाम सिमरन अते कीर्तन राहीं सचखंडी ब्रह्मंडी अते अगमी दुनिया विच लै के जाण। सारे बच्चे सावधान हो जाण, तैयार बर तैयार हो जाण ते भाई साहब दे नाल जो इह समागम चल रहा है सारे बच्चे उच्ची आवाज दे विच जदों शब्द बोलणगे जदों आग्या करणगे तुसीं सारयां ने शब्द पढ़ने हन। इन्हां शब्दां नाल मैं सारे बच्चों शाबाश देता हाँ।
अपने अध्यापकों नूं शाबाश दिंदा हां, स्कूल के प्रबंधकों नूं सारिआं नूं मैं धन्नवाद दिंदा हां जिन्हां ने इन्नी मेहनत दे नाल इन्ना सुंदर अज इह शहीदी समागम सजाया है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
अज मिस कर जाएंगे जे घरों नहीं आए, आखो वाहिगुरु, सारे बच्चे आखो वाहिगुरु, बच्चों तुहाड़ी विद्या चढ़दी कला होएगी, आखो वाहिगुरु। हुण कोई बच्चा हॉल विच आवाज नहीं करेगा, जिसने कोई गल करनी है वो सीढ़ियों तो नीचे उतर के फिर गल करेगा। हॉल विच मैं बेनती करूंगा सारे बच्चे सज जाओ। देखो मिसिज दर्दी जी ने तुहानू जकारन दी गूंज नाल एक ऐसा वातावरण बना दिता है, उदे बाद तुसी अगर अखा बंद करके सची मुची बैकग्राउंड देखना चाहते हो, सचखंड देखना चाहते हो, तो एकाग्रता नाल बैठना पड़ेगा। आखो वाहिगुरु, सारे बच्चे आखो वाहिगुरु। हाले कुछ बच्चों की आवाज नहीं आई, आखो वाहिगुरु। मेरिया कुछ बेटियां नहीं बोली हले, आखो वाहिगुरु। मेरे हले बेटे नहीं कुछ बोले, आखो वाहिगुरु। एक बारी वाहिगुरु कहन नाल साढ़े करोड़ों पाप नाश हो सकते हैं, पर उस एक बारी वाहिगुरु कहन वास्ते सानू बार बार वाहिगुरु कहना पड़ेगा। आखो वाहिगुरु, आखो वाहिगुरु। हुण गल बनी है, एकाग्रता बन गई है तुहाडे हॉल विच। हुण जो तुसी सिमरन करोगे ना, ऐ सचखंड जे जिउंदे जी सचखंड है, मरण दे बाद कोई दस नहीं सकदा कि मैनू सचखंड मिलिया है या बैकुंठ धाम मिलिया है। जिंदे जी तुसी बैकुंठ विच बैठना चाहते हो ते सिमरन तो वड्डी कोई तरीका नहीं, सिमरन ही धर्म की पौड़ी है, सिमरन ही सब तो उच्चा है। प्रभ का सिमरन, सारे बच्चों प्रभ का सिमरन, मेरी बेटियां बोलो प्रभ का सिमरन। गुरु मेहर करे, आओ जुड़ जाइए उस परमेश्वर के नाम नाल, क्योंकि माता के गर्भ में सिमरन सी ना, जिस करके असी माता के गर्भ में बच गए। जे माता के गर्भ में सिमरन टुट जाता साड़ा, असी उत्थे ही गल जाना सी, साड़ा जन्म नहीं सी होना। सिमरन ने साड़ा उत्थे जन्म बचा दिता, हुण जीवन नूं बचाउण वास्ते सानू सिमरन करना पेगा। आओ संगत जी, आओ संगत जी एकाग्रचित होना। एक छोटा जिहा बच्चा, बड़ा प्यारा बच्चा, मैं अज बच्चों का उत्साह देख के इतना खुश होया हाँ कि इत्थे दे प्रबंधकों ने, टीचर्स ने, प्रिंसीपल ने, दफ्ती साहब ने, उन्हें मिसिज ने बच्चे नूं कितना उदम नाल, मैं गतका भी देखिया तुहाडे बच्चों का, इतना उदम नाल मैं हैरान हो गया हाँ। कितने उत्साह नाल बच्चे ने कविता भी गायन कीतिया हैं, शब्द भी पढ़े हैं। हुण आओ एक छोटा जिहा बच्चा होर कुछ बोलना चाहता है, उसके बाद आपां सिमरन शुरू करांगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। की सुखदा है तेरे परिवार अगे, बाजा वालिया अख भी रो पेंदी, किदा सिदक होना उन्हां बच्चों का जेड़े होंगे मोर। हुण दादी कहंदी किवें ठंड दे बुले सए होने, गुरु दे राज दुलारिया ने कंब उठिया होना, हिलदा पताल पाई हंजू बहाए होने, उदो तारिया ने वदे भी चमकोर गड़ी भी शीद होए, ते कंधा विच कर सिखी दिया कंधा उसार गए, दादी ठंडे बुर्ज विच शरीर त्याग दिता, इंज गुरु गोबिंद सिंह सरबंस कौम तो वार गए, इंज गुरु गोबिंद सिंह सरबंस कौम तो वार गए। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। बोले राज करेगा झूलते निशान रहन, सजदे दीवान रहन, धर्म दा राखा पंथ दा वाली गुरु गोबिंद सिंह। बोले सारे बच्चे अखां बंद कर लो, किसे बच्चे ने सजे खब्बे नहीं देखना। मैं तुहाडे बच्चों नूं देख के मेरे अंदर बहुत उत्साह पैदा होया है,
इस उम्र बच्चे अगर गुरु शब्द ना जोड़ा जाए यह बच्चे साडे कौम के हीरे ने प्रचारक बनणगे। मैं चेयरमैन साहब नूं मुबारक दिंदा हाँ जिन्होंने इन्हें बच्चों गुरबाणी आश्रम साहब तोरिया है और इतनी ट्रेनिंग करवाई है कि अज सवेर तो मैं देख रहा हाँ लगातार बच्चे एक तो एक चढ़न की गल्ला विच कविता सुना रहे सन। आओ एकाग्रता बख्शना जी सारे बोलना हुण तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी 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 एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी साहिबं गुर प्रसाद वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। वाहेगुरु तन तन सदा ही तन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी बैठी सात संगत आओ सारे नतमस्तक होके नम्रतापूर्वक अरदास करिए सतगुरु नाम सिमरन दे देना सतगुरु सिमरन आप करा लेना सारी संगतों ने आप बोलना है अपना बोले हुआ आप सुनना है धुन में ध्यान वाली गल बन जानी है जे सतगुरु जी नजर कर देन बख्शिश कर देन सारे मिलकर फरियाद करो अरदास करो सतगुरु आप जिन्हें बख्शिश के घर आके अपनी मिठी प्यारी गोद बिठाया है सतगुरु कृपा करके अपना नाम वाहिगुरु आप जपा लेना
शब्द सुरत का मेल करा देना, तुहाडे बच्चे तुहाडी शरण च आए हन। शरण आए बच्चों की लाज रख लेना, इस जल रहे औखे संसार करोना युग आपके नाम का उटासरा है। जिन्होंने भी सिमरिया है सुख पाया है, सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, प्रभु का सिमरन सते ऊंचा, प्रभु का सिमरन सते ऊंचा। सतगुरु अमृत बाणी अमृत वेला अमृत की दात बख्शना, अमृत वेला सच नाओ अमृत वेला सच नाओ, विसर नहीं दातार गुण गावा दिन रात, विसर नहीं दातार गुण गावा दिन रात। दास तेरे की बेनती तुमरी कृपा ते पार ब्रह्म, दास तेरे की बेनती तुमरी कृपा ते पार ब्रह्म। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु। हॉल च खड़े सारे बैठ जाओ, बच्चे सारे बैठ जाओ, कोई खड़ा नहीं रहेगा, सारे बच्चे बैठ जाओ। वाहेगुरु प्रभु का सिमरन सबते सबते प्रभु का सिमरन प्रभु सबते सबते ऊंचा प्रभु कै सिमरन उदर ऊंचा उदर ऊंचा। वाहे गुरु वाहे गुरु।
Bye.
धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक वाहगुरु वाहगुरु धन गुरु नानक 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 वाहगुरु वाहगुरु धन गुरु नानक 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 वाहगुरु 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 धन गुरु नानक 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 धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब 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 वाहगुरु 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 साहिब धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब वाहगुरु धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब 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 धन धन बाबा अजीत सिंह जी 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 सारे बच्चे बोलो धन धन बाबा अजीत सिंह जी 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 धन धन बाबा जुझार 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 सिंह जी बोलो बाबा जुझार सारे बच्चे बोलो धन धन बाबा जुझार धन धन बाबा जुझार धन धन बाबा जुझार सिंह जी 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 धन धन बाबा जोरावर 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 सिंह जी धन बाबा जोरावर सिंह जी धन धन बाबा जोरावर सिंह जी धन धन बाबा धन धन बाबा फतेह सिंह जी 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 बाबा फतेह सिंह जी
बाबा फतेह सिंह धन धन बाबा फतेह सिंह जी 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 बोलो सारे धन धन बाबा फतेह सिंह जी धन धन बाबा फतेह सिंह जी धन धन माता गुजर कौर 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 धन धन माता गुजर कौर जी 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 धन धन माता गुजर कौर धन धन माता गुजर कौर जी धन धन माता गुजर कौर जी धन धन माता साहिब 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 कौर धन धन माता साहिब कौर जी 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 धन धन माता साहिब कौर धन धन माता साहिब कौर जी धन धन माता साहिब कौर जी धन धन बाबा दीप सिंह 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 जी धन बाबा दीप सिंह जी धन धन बाबा दीप सिंह धन धन बाबा दीप सिंह जी धन धन बाबा दीप वाहगुरु 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 सतनाम वाहगुरु सतनाम वाहगुरु सतनाम वाहगुरु सतनाम सतनाम वाहेगुरु 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 एक ओंकार 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 वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु करता पूरक 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 वाहेगुरु
ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੋਤਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹੀ ਬਿਸਤਰ ਤੋਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਕਹਿਣਾ ਤਨ ਤਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਤਨ ਤਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਰਥਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਗੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਅਰਥਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਗੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੀਏ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਪਹਿਲੇ ਹੋਏਗਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਕਰੀਏ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3 ਮਿੰਟ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਉਹ 3 ਮਿੰਟ 30 ਮਿੰਟ ਬਣਨਗੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬੱਚਿਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ 3 ਮਿੰਟ ਤੋਂ 4 ਮਿੰਟ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਲਗਨ ਲੱਗ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ 3 ਮਿੰਟ 30 ਮਿੰਟ 3 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਬੱਚਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਆਪ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਘਰ ਵੀ ਸਦਾ ਸੁੱਖ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਸਦਾ ਸੁੱਖ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰੋ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਜਾਣਗੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਿਖਾਉਣਗੇ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ
प्रफुल्लित करन दा। जे माता पिता आप नितनेम करनगे ते बच्चे तकदे जे माता पिता नूं, जे माता पिता सवेरे उठ के आलस विच बैठे होणगे ते बच्चे तुहानूं देख के नितनेम नहीं कर सकदे, तुहानूं बच्चे नूं अगे लियाउण वास्ते आप नितनेम करना पेगा, आप अमृतधारी बनना पेगा, आप शाम नूं रहिरास करना पेगा, रात नूं सौण वेले कीर्तन सोहला करना पेगा, ता ही साड़ा दिन अच्छा निकल सकेगा। इन नरकों में ला जाती है निंदा, सदा निंदा तो बचो, नाम जपो, शुक्र करते रहो, जो तुहानूं दित्ता ना परमात्मा ने उहदे विच शुक्र करो, क्योंकि जो बड़े बड़े तनाड़ में देखे हैं ना वह दुखी देखे हैं, आखो वाहिगुरु है, तुहाडा भला होएगा आखो वाहिगुरु है, तुहाडे घर सुख आनंद आ जाएंगे आखो वाहिगुरु है, तुहाडे घर में आत्मक आनंद बनेगा आखो वाहिगुरु है, तुहाडे बच्चे आज्ञाकारी होंगे आखो वाहिगुरु है, तुहाडे घर में सदा आनंद बनया रहेगा आखो वाहिगुरु है, तुहाडे मन की कामना पूरी होंगी आखो वाहिगुरु है। ये निके निके बच्चे देखो कहते जी वाहिगुरु, तुम भी कहो वाहिगुरु, कहो वाहिगुरु, रब से भरोसा रखो, परमात्मा सब कुछ करन दे समर्थ है, साड़ा कोई भी कम किता सिरे नहीं चढ़ सकता जद परमात्मा की जद तक नजर ना होवे। सदा हर एक नाल प्यार करो, असी जिन्हें बैठे हाँ बच्चे होन या वड्डे होन सारे चाहते हैं ना दूसरा सानू प्यार करे, फिर असी कोड़े बोलना बोलीए आखो वाहिगुरु, हर एक नाल प्यार ना गल करिए तां दे अगला भी तुहानू प्यार करे। जे टीचर बच्चे ना प्यार करेगी ना देख लेना बच्चे अगो प्यार देंगे आखो वाहिगुरु, बड़ी बख्शिश होंगी। जे ये प्यार एक ऐसी चीज है जिन प्रेम किया तिन ही प्रभ पाओ, परमात्मा दी मिलन दी इको एक निशानी है, तुहाडे अंदर प्यार हो जाए, तुहाडी रसना दे प्यार आ जाए, फिर तुहानूं परमात्मा मिलिया समझो। सदा ना सारे नाल प्यार करो, दास तेरे की बेनती रिद कर प्रगास, बोलो मनु रख लै परमात्मा रख लै, सब तियां पुत्र तन पदार्थ तेरा है सतगुरु, साड़ा कुछ भी नहीं है संसार विच, असी खाली हाथ आए हाँ ते खाली हाथ चला जाना है। ये जो असी अपना मनी बैठे हाँ ये दुख का कारण है, जिस वक्त शरीर चो जान निकलती है ना जिन्ना भी धन कमाया होंदा है जिन्नी भी जायदाद होंदी है एक मिनट विच सुआह हो जाती है। आखो वाहिगुरु, तन लोकां तन पसमें ढेरी, तन लोक लै जांदे ने ते तन जिहड़ा पसम हो जांदा है फिर सारे जाके शमशान घाट छड्ड आंदे ने। आखो वाहिगुरु, कोई नहीं जे घर रखदा, ये सब कुछ परमात्मा दे हाथ विच है, असी उस नाल यारी पानी है, सच्चा इश्क उस नाल करना है, उस परमात्मा नाल सच्चा इश्क करना है, इस नूं कदे ना छड्डो, उस इश्क करदे रहो, उस नाल यारी पानी है। विसर नहीं दातार अपना, सारे बोलो विसर नहीं दातार, गुण गावां दिन रात, लगे रहोगे एक दिन मंजिल मिल जाएगी, तुहाडी यात्रा संसार च आई हुई सफल हो जाएगी। इतनी सेवा प्रवान करना, अगर समा होवे ते शब्द पढ़िए, नहीं ते इत्थे ही समाप्ति है। सो इत्थे ही समाप्ति है। संगत जी अखरवाद काट पुल च माफ करना, आप दी असीसां सदका कुछ बोल सकीदा है, अजे तक कुछ ना नितनेम करना आया ना पाठ करना आया, तुसी असीसां देंदे हो तो कुछ बोल सकीदा है। पिछले लगातार जो 22 सालों की तपस्या है वो जाहिर हुई है, क्योंकि असी फल चाहते हाँ फटाफट, काम करते हाँ घट फल ज़्यादा चाहते हाँ, पर जे असी निरंतर अपना काम वाहिगुरु नाल यारी पाते रहेंगे तो वाहिगुरु तुहानू मान सम्मान बख्शेगा, इज्जत बख्शेगा, तन पदार्थ तुहाडे पिछे पिछे तुरेगी। ये सारे समागम असी निष्काम करते हाँ, कोई भी इन समागमों की पेटा नहीं है, जिथे भी जाते हाँ ये निष्काम सेवा करके सतगुरु जी एक हफ्ते की एक घर में सेवा लै रहा है लगातार। पंथ रतन भाई साहब भाई जसवीर सिंह जी खालसा खाने वाले हैं, जिन्होंने सराह से तोरिया से कहते घर घर जाके बच्चों को गुरशब्द ना जोड़ो, बच्चों को अमृतधारी बनाओ, बच्चों को गुरशब्द ना जोड़ो। सो मैं आस करता हाँ जिन्होंने जिथे तक मेरी आवाज़ गई है वो अपने बच्चों को जरूर अज लोड़ है, बड़े बड़े गुरुद्वारा साहब बन चुके हैं, करोड़ों अरबों रुपया खर्च के बड़े बड़े सोहने गुरुद्वारे देशों विदेशों में देख रहे हैं बने हुए हैं, पर बच्चे नहीं आ रहे जे, ये दुख का कारण है। आओ बच्चों ना लेके आओ, आप आओ, जे तुसी आप अवेसले रहोगे बच्चे नहीं आएंगे गुरुद्वारा साहब, कोशिश करिए बच्चों ना लेके आइए, बच्चों उंगली नाल बिठा के लियाओगे ना फिर बच्चे की एक लाग बन जाएगी, फिर बच्चे आएंगे। जे बच्चे नूं लैके नहीं आओगे सोचो कि बच्चे सुते रहन असीं गुरुद्वारे जाइए, गल नहीं बनी। बच्चे नूं जहर मत पिलाओ, बच्चे नूं नाम धन दिओ, दुनिया भी तन कदे आउंदा है कदे खुश जांदा है, मतलब मनुख कदे खुश होंदा है कदे दुखी हो जांदा है, पर नाम धन एक ऐसा धन है जिहड़ा इत्थे भी सही होंदा है परलोक भी सही होंदा है। आओ आनंद सदा पाठ करिए, सारी संगत नाल गायन करना, वाहिगुरु जी का खालसा। बच्चों का धन्यवाद जिन्हें बच्चों ने नाल सहयोग दिया है।
ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰਿਓ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਟੇਕ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਟੇਕ ਮੁਖ ਉਜਲ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਤ ਤੇ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਸਤਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਦਾ ਪਾਇਆ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਹੈ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਲੇ ਸੋਨੇ ਹਾਰ
बोलो जी वाहिगुरु एको ओंकार वाहिजी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लाइन त्याई फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोविंद नौ सिमरहो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याईया जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया घर नौनद आवै ताए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज सब थाई होए सहाय दसम पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दर्शन दार दा ध्यान धरके बोल जी पंजा प्यारियां चौहों साहब जादियां चालियां मुकतियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अंडट कीता तिना प्यारियां सच्चारियां दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दत्ते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरिया नाल चराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सवासां नाल नबाही तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान धरके बोलो जी प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 चेतावे चेताउन का सदका सर्व सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रक्षा रियायत देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान वसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर जी दे दर्शन इशनान चौंकियां चंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकारा बोलो जी सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत पत दा रखा आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो श्री ननकाना साहिब ते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन ददार सेवा संभाल दा दान खालसा पंथ नूं बख्शो हे नमाणियां दे मन सतगुरु नेताणियां दे तन सतगुरु ने ओटियां दी ओट ने आसरियां दे आसरे सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी आप जी दे चरण कमला पास अरदास बेनती जुजड़ी है सुहरा सो पहचानी है जो लड़ै दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरै कऊ न छाड़ै खेद हुक्मसार महाराज जीओ धन धन बाबा अजीत सिंह जी धन धन बाबा जुझार सिंह जी धन धन बाबा जुरवार सिंह जी धन धन बाबा फतेह सिंह जी धन धन माता गुजर कौर जी उन्हां दे सिमार च पातशाह जीओ शहीदी जोड़ मेल मिलाउंदिया है महाराज आप जी की अपार कृपा का सदका हर साल की तरह सरदार जगदीर सिंह जरदी चेहरबिन टाइम टीवी बीबा जसविंदर कौर जी डायरैक्टर डॉक्टर इंद्रप्रीत कौर जी अते सुवीर गीवनवाज न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल दे स्टाफ धन धन श्री गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल दे समुचे स्टाफ विद्यार्थियों ने बच्चों रौनक के महाराज जी आप जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर अमृत वेल तो गुरमत समागम सजाए गए हैं सजे दवाना अंदर रबी बांदे कीर्तन गुर विचारा वाहेगुरु का सिमरन भजन बंदगी की सतगुरु छे पौड़ियां आनंद साहब जाप किए हैं सतगुरु बाणी पढ़द
सिमरन करदियां नंसा दे जाप करदियां बेअंत भुल्लां हो गई होणगियां सेवक जान के माफ करना। अगे वास्ते बाणी शुद्ध पढ़न की समत बख्शिश करनी, बाणी पढ़ी सुनी दा भाव समूह संगतां दे हिरदियां ते वसाउणा, आईया संगतां दी हाजरी दर प्रवान करनी। सतगुरु जी आप जी ने महान कृपालता की सच्चे पातशाह जीओ गुरु शब्द प्रचार सभा गुरसिख इस्त्री सत्संग सभा जम्मू कश्मीर तो महाराज जी संगत आप जी दे चरणा च आके संगतां नूं नाम बानना जोड़िया सिमरन किया बंदगी की है मारचे पातशाह गरीब नवाज जी उन्हां दे समुचे स्टाफ ते सारिआं ते सिर ते मेहद हथ रख के चढ़ती कला जीवन बख्श करना। अपनी सेवावां महाराज आप करवा लेनियां तंदुरुस्तियां देह रोता बख्श करनी जगत जलंधर रख लै अपनी कृपा तार जित द्वारा उभरा तित लिहो बहार मारा सारे संसार का भलो करो। गरीब नवाज जी आप जी ने रहमता कीतियां बख्शियां कीतियां सरदार जगजीत दर्दी परिवार के चेयरमैन टैवी टैम टीवी और समुची संघ से रहमता करके एक गुरमुख समागम कराण वास्ते पातशाह इस तरह आप ने कृपा वरताई रखनी है अपन सेवावान आप करवाणी महाराज पातशाह जीओ सरबत का भला करना। सतगुरु सरदार हरप्रीत सिंह जी दर्दी समुचे परिवार हर साल इस तरह गुरमुख समागम धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज आप जी की पावन पवित्र हजूरी सतगुरु जी कराए जाते हैं उन्होंने समूह शहीदों की याद अंदर। सतगुरु आपने बड़िया रहमत कीतिया ने इस तरह कृपा करी रखनी महाराज पातशाह जीओ रहमत वरताई रखनी सारे संसार का भला करना। गरीब नवाज पातशाह जीओ दवाना की समाप्ति परंत महाराज पातशाह अरदासा बेनती हुई आप सबू तंदुरुस्ती बख्शो। भाई भुपिंदर सिंह जी न चढ़ती कला तंदुरुस्ती देह रोगता बख्श करनी इस तरह गुरमत प्रचार की सेवा संभालते रहना सेवा कराते रहना महाराज पातशाह ये आप ही कृपा की है बड़ी रहमत कीतिया ने संगतों को जोड़िया गुरबाणी सच्चे पातशाह आपका लख लख शुक्र है कोटान कोटान धनवाद है महाराज जीओ। छे पौड़ियों ने जाप कीते सच्चे पातशाह बाणी पढ़ते अखर वध घट पड़े हैं सेवक जान के माफ करना। अगे वास्ते बाणी शुद्ध पढ़ने की समत बख्श करनी गरीब नवाज जीओ सरदार जगजीत सिंह जी दर्दी सरदारनी जसविंदर कौर जी डॉक्टर इंद्रप्रीत कौर जी सरदार हरप्रीत सिंह जी समुचे स्टाफ वालों समुचे बच्चों वालों संगतों वालों दत्तियों दातों चों कड़ा प्रसाद देख हाजिर है आप जी दर प्रवान हुए प्रवान होया कड़ा प्रसाद संगत वरताउण दी आग्या जो छके आप जी का नाम जपे दर्दी परिवार वालों आप जी ने सुंदर पछाके भेटा कीते सेवकों की सेवा प्रवान करनी कार्ज रास करने मनोकामना पूरियां करनिया कृपा करनी महाराज स्कूलों कॉलेजों टाइम टीवी चढ़ती कला दिन दुगनी रात चौगी तरक्की बख्श करनी महाराज पातशाह आप कृपा करके अपना मेहर द हथ रख के सेवावान लै लेनिया सच्चे पातशाह अरदासा बेनतियां प्रवान करनिया हुक्मनामे बख्शो संगतों कृतार्थ करो सुख होवे नाम चेता आवे नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दोहरा आग्या भई तवे च सब सिखन को हुक्म होया गुरु गुरु ग्रंथ जी मान्यो जो प्रभु को मिलबो चाहे राज करेगा खालसा ख्वार होए सब मिलेंगे। वाहेगुरु नाम जहाज है जो सरदा कर से बंदे बोले सुनहार। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ
ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਪਰੇ ਨਸਾਨਾ ਘਾਓ ਖਿਜ ਮੰਡਿਓ ਸੂਰਮਾ ਅਬ ਜੂਜਨ ਕੋ ਦਾਓ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ ਜੋ ਲੜੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਘੱਟ ਮਰੈ ਕਹੂ ਨਾ ਛਾਡੈ ਖੇਤ ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੀ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੂਆ ਰਾਮ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ ਸੁਕਹੁ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਐਨ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਮੰਦੀ ਨੂਰੇ ਅਰਸੋਂ ਪੁਰਸੋਂ ਚੱਟੀਐ ਤੁਲ ਜਿੱਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਨ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਜਾਪੇ ਪ੍ਰਭ ਬਾਲਕ ਰੱਖੇ ਆਪੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਜਾਪੇ ਪ੍ਰਭ ਬਾਲਕ ਰੱਖੇ ਆਪੇ ਸੀਤਲਾ ਠਾਕਰ ਹਾਏ ਵਿਘਨ ਗਏ ਹਰ ਨਾਏ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਹੋਵਾ ਸਦਾ ਦਿਆਲਾ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਭਗਤ ਆਪਣੇ ਕੇ ਸਭ ਜੀ ਭਇਆ ਕਿਰਪਾਲਾ ਰਹਾਉ ਪ੍ਰਭ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਦੁੱਖ ਲਾਥਾ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੀ ਸੁਣੀ ਬੇਨੰਤੇ ਸਭ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਵੰਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੀ ਸੁਣੀ ਬੇਨੰਤੇ ਸਭ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਵੰਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪਰਮ
ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿੰਟੀ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਐਮ ਸੀ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾ ਦੀ ਮਾਫੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗਿਫਟ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆਵਾਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਗਿਫਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਗਿਫਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਬਹੁਤ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਬੱਚਾ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਜਿੰਦਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਦੇ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਕਸ਼ਸਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਖੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਿੰਨ ਡਰੋਪ ਸਲਾਈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗਿਫਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਔਰ ਹੁਣ ਜੋ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਗੁਰੋਵਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦਿਆਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰੋ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੋਵਰ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰੋਪਾ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਰੋਪਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਤਨਾ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡੇ ਉੱਚੇ ਭਾਗ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਣੇ ਹਨ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ 'ਚ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ KG ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਓਟ ਲਿਖੋਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ IAS ਅਫਸਰ ਬਣੋਗੇ KS ਅਫਿਸਰ ਬਣੋਗੇ ਪਾਰਸ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਗਰੋਵਰ ਜੋ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੋਵਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਿਰੋਪਾ ਲੈਣ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਖ ਰੋਕ ਲਓ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਖ ਰੋਕ ਲਓ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇਖ ਰੋਕ ਲਓ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਖ ਰੋਕ ਲਓ ਦੋ 5-7 ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ 5-7 ਮਿੰਟ ਦੇਖ ਰੋਕ ਲਓ ਜੀ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਖ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਗਏ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਖ 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਲਓ ਆਓ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਗਭਗ ਸੀਗੀ 7 ਸਾਲ ਅਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਮਾਤਾਵਾਂ ਚਕੋਪ ਹਨੇਰਾ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ AC ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦਾਦੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਉਹ ਆਪਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਦਾਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਾ ਗੀਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਵੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦਾਦੀ ਕੁਝ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੀਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗਾ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਏ ਜਿਵੇਂ ਗੀਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗਾ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਉੱਤੋਂ ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਤ ਸੀ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਉੱਤੋਂ ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਤ ਸੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਕਨੀ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਉੱਤੋਂ ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਤ ਸੀ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸੀ ਠੰਡ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਹਰ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਬਰਸਾਤ ਸੀ ਠੰਡ ਵੀ ਸੀ
ते बरसात भी पै रही थी ते की किया जी ध्यान दियो दादियां बाबा जोरावर सिंह सी सज्जे गोडे ते आपां भी कदे पोते बंदे ना दादी दे गद्दी बाबा जोरावर सिंह सी सज्जे गोडे ते कदे वड्डा लाड लड़ाउंदा सी दादी दे चढ़ के मोढ़े ते रात सी ना कदे वड्डा लाड लड़ाउंदा सी दादी ते चढ़ के मोढ़े ते सारी दुनिया सुती सी सारी दुनिया सुती सी ए तिलों गल्लां करदे सी सारी दुनिया सुती सी ए तिनों गल्लां करदे सी दादी दे पोते बैठ के आपस विच इक बात सी कदे इक दा मुखड़ा चुमदी सी कदे इक दा मुखड़ा चुमदी सी कुट कलेजे दे नाल लांदी सी कदे दूजे नूं पा के गल वकड़ी वो ठंड तो पई बचाउंदी सी। मैनूं हुक्म हो गया भी कविता छोटी पढ़नी है, मैं माफी मंगागा क्योंकि कविता तो लंबा है जिनी देर शायर ना आवे मजा नहीं आता। मैं इस कविता तो माफी मंगागा, तुहाडे नाल चंद लाइना वैसे सांझियां करांगा, सानू भी आनंद नहीं आता जिनी देर भी। कल ठंडड़े बुरज च ठंड वेले मां गुजरी एक रात गुजार के गुजर गई, कल ठंडड़े बुरज ठंड वेले मां गुजरी एक रात गुजार के गुजर गई, एक रात दे रहण दा हर जाना दो हीरे वार के गुजर गई, एक रात दे रहण दा हर जाना दो हीरे वार के गुजर गई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारे बच्चों तुहानू खुश की जान के खुशी होएगी कि तुहाडे टीचर कमलप्रीत सिंह जी पहला दाड़ी कटते सन ते हुण इन्हां ने साहबजादियां दे शहीदी गुरपुरब उत्ते जिथे सोहना दाड़ा सजाया उत्थे ऐलान भी किया कि अगों बेदबी नहीं करनगे। समुचे खालसा पंथ वल्लों सारे पंज प्यारे साहिबान कमलप्रीत सिंह जी दा स्टेज दे उत्ते सन्मान करनगे। मैं उन्हां नूं बेनती करांगा कि नहीं नहीं उपर जाओ उपर उपर जाओ, पांच प्यारे सन्मान करनगे और खालसा पंथ वालों इन्हों का सन्मान किया जा रहा है। इंटरनेशनल सिख फोरम के सैकटरी जनरल सरदार रविंदर सिंह सलूजा वो भी आन की कृपालता करन। गुरोवर साहब सलूजा साहब नूं प्रसाद वरताओ ते बच्चे सारे बच्चों के इनाम तैयार हैं, लंगर भी तैयार है। डॉक्टर प्रिंसीपल डॉक्टर कवलजीत कौर जी आके तरतीब अनाउंस करेंगे बच्चे किस तरह लंगर छकणगे अते किस तरह इनाम लैणगे। दसो जी अनाउंस कर दिओ, इत्थे खड़ के तुसीं दसो किस तरह लंगर छकाना ते किस तरह इनाम। बोले